वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपसे बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जल्द ही हम एक Q&A वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपके सवाल के जवाब देंगे। मुझे हीरो बनने की कोई इच्छा नहीं, विलेन बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करें हमारे पहले खबर की, तो आजकल टोटल धमाल से जुड़ी काफी सारे लुक सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले आया ये पोस्टर जिसमें आपको 2 गुट नजर आ रहे हैं, और अब उसके बाद कल आए ये सारे इमेज जिसमें अरशद वारसी एक सांप से डर रहे हैं, और वहीं जावेद जाफरी उसी सांप की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, और वहीं तीसरे पोस्टर में जॉनी लीवर, रितेश देशमुख और राजपाल यादव नजर आ रहे हैं। और अब बात करें चौथे पोस्टर की, तो चौथे पोस्टर में अजय देवगन एक शेर साथ नजर आ रहे हैं। इमेज से पता चलता है कि ये कोई गाने का सीन है। इतने सारे फोटोज देखने के बाद दर्शक इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि कल देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिएगा दोस्तों टोटल धमाल के ट्रेलर को देखने के लिए। और वहीं आज फाइनली 2019 में आने वाली विजय की फिल्म थलापाटी 63 की पूजा आज जोर शोरों से हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अतली कुमार, जिन्होंने इससे पहले विजय के साथ थेरी और मर्सल जैसी फिल्मों को बनाया है। इस फिल्म में विजय के साथ नयनतारा, विवेक, योगी बाबू और अभी डेनियल बालाजी का भी नाम जुड़ गया है। फिल्म की शूटिंग कल से शुरू हो सकती है। इस फिल्म का नाम अभी तक कन्फर्म नहीं है। जैसे ही इस फिल्म से जुड़ी कोई भी खबर आती है हम आपको जरूर बताते रहेंगे। और बढ़े अगले खबर की तरफ, तो कल PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया। ये म्यूजियम मुंबई के कंबाला हिल पर स्थापित है। इस म्यूजियम की लागत करीब 140 करोड़ बताई जा रही है। इस म्यूजियम में आपको इंडियन सिनेमा से जुड़ी काफी पुरानी यादों को संभाल कर रखा गया है। इस शुभ अवसर पर बॉलीवुड के कई महान कलाकार भी मौजूद थे, जैसे आमिर खान, लता मंगेशकर, करण जौहर, AR रहमान, रणबीर कपूर के अलावा कई और महान एक्टर और डायरेक्टर मौजूद थे। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान यूरी मूवी का डायलॉग हाउ इज द जोश बोला, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हाउ इज द जोश। इसी के साथ खबर ये आ रही है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म दबंग 3 में शायद हमें किच्चा सुदीप भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुदीप ने बताया था कि वो दबंग 3 में काम कर रहे हैं। अब इस बात पर एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। इस खबर को सुनते ही सुदीप के फैन काफी ज्यादा खुश हुए, और अभी हाल ही में पहलवान के टीजर पर सलमान खान ने उन्हें बधाई भी दी थी, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी इन दिनों साउथ की फिल्म में काफी ज्यादा बिजी हैं। जहां एक तरफ वो कन्नड़ फिल्म पहलवान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मलयालम फिल्म मरक्कर द लाइन ऑफ अरबियन सी की भी शूटिंग चालू करने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन। प्रियदर्शन और सुनील शेट्टी ने पास्ट में काफी सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है, लेकिन दे दनादन के बाद वो कभी साथ नहीं आए, लेकिन फाइनली 10 साल बाद वो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का बजट करीब 140 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि शायद मलयालम सिनेमा के लिए एक रिकॉर्ड होगा। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, मोहनलाल, अर्जुन सारजा, प्रभु देवा और मधु नजर आने वाली हैं, और ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। और वहीं बात करें शंकर की आने वाली फिल्म इंडियन 2 की, तो फाइनली इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। इस फिल्म के कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में हमें काजल अग्रवाल भी नजर आएंगी। उसके अलावा सिद्धार्थ और साउथ कोरियन एक्ट्रेस बाई सूजी भी नजर आ सकती हैं, और काफी सारे रूमर आ रहे हैं कि हो सकता है कि अक्षय कुमार हमें इस फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, जिस तरह 2.0 में अक्षय कुमार ने निगेटिव रोल करके सबका दिल जीत लिया था, उसी तरह शायद डायरेक्टर शंकर इंडियन 2 में अक्षय कुमार को साइन कर सकते हैं। और अब बात करें कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने फ्राइडे को 7 करोड़ 66 लाख का कारोबार किया था, और सैटरडे को 13 करोड़ 24 लाख का कारोबार किया था। यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने अभी तक अपने 9 दिन में ही 91 करोड़ 84 लाख का बिजनेस किया है, और आज संडे को ये फिल्म 100 करोड़ के कलम में भी शामिल हो जाएगी, और वो भी सिर्फ अपने 10 दिन में ही।
और अब बात करें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, तो इस फिल्म ने अपने 9 दिन में ही 24 करोड़ 80 लाख का बिजनेस किया है और आज ये फिल्म 25 करोड़ पार कर लेगी। और अब बात करें 18 जनवरी को रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म वाई चीट इंडिया की, तो अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख का बिजनेस किया है और सैटरडे को इस फिल्म में थोड़ी बहुत ग्रोथ आई और इस फिल्म ने सैटरडे को 3 करोड़ 81 लाख का कारोबार किया है। वाई चीट इंडिया ने अभी तक 5 करोड़ 91 लाख का बिजनेस किया है जो कि काफी खराब प्रदर्शन है, लेकिन हो सकता है कि आज ये फिल्म थोड़ी और उछाल मारे। अब बात करें कुछ हिंदी डबड फिल्मों की, तो इस महीने 2 या 3 साउथ की फिल्में हिंदी में टीवी और यूट्यूब पर आने वाली हैं, जिसमें से पहली है 2018 में आई तमिल थ्रिलर फिल्म मिस्टर चंद्रमौली। ये फिल्म 20 जनवरी को शाम 5:45 पर यूटीवी मूवीज पर आने वाली है। इस फिल्म का हिंदी नाम मिस्टर डेसिंग खिलाड़ी रखा गया है, जिसके लीड रोल में थे कार्तिक। इस लिस्ट में जो दूसरी फिल्म है वो है 2017 में आई तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म समता कामिनी, जिसके लीड रोल में थे नारा रोहित, सुधीर बाबू और संदीप किशन। इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 24 जनवरी को रात 8 बजे सेट मैक्स पर, और उसी दिन ये फिल्म रात को 11 बजे गोल्ड माइन के यूट्यूब चैनल पर आएगी। इस फिल्म का हिंदी नाम है आखिरी बाजी। इस लिस्ट में जो तीसरी फिल्म है वो है 2018 में आई तेलुगु स्पाई थ्रिलर फिल्म गुड़ाचारी, जिसके लीड रोल में थे आदिविशेष। इस फिल्म को इंटेलिजेंट खिलाड़ी के नाम से 27 जनवरी को रात 8 बजे यूटीवी मूवीज पर दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, फिल्मी टॉक का नया एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब